रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, मैं हूँ अनिल श्रीवत्सा। इस जिंदगी में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, न उम्र, न हमारी पसंद और न हम खुद। नथिंग इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि वक्त के साथ चलकर हम तरक्की पाते हैं, अपनी जिंदगी में एक नयापन लाते हैं जिससे कहीं हम पीछे ना रह जाए। हमारे आज के मेहमान की जिंदगी में भी कई मोड़ आए। कम दृष्टि के साथ काम करते रहना और फिर दृष्टि पूरी तरह खो देना, ये सफर आसान नहीं रहा होगा, पर इन्होंने धैर्य ना छोड़ते हुए उन सभी चुनौतियों का सामना किया और आगे बढ़ गए। ये है बैंगलोर के मुस्तफा मर्चेंट, जो 12 साल से भी ज्यादा अनुभव के साथ कंसल्टेंट के तौर पे आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। जॉर्ज ने मुस्तफा से फोन पे बातचीत की, आइए इस बातचीत को सुनते हैं। नमस्कार मुस्तफा, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका जो आंखों का प्रॉब्लम जो है, ये कब से है और ये कैसे हुआ? अब ये आंखों का प्रॉब्लम 2 साल होने को है जी। ये हुआ था मार्च 2011 में। हाँ जी। और उस वक्त हम कंपनी में काम करते थे जी, और एक सुबह जब हुई दिखाई नहीं दिया। इसका कारण क्या था? इससे पहले हमको ग्लॉकोमा था जिसके लिए हमने सर्जरी की जी। और ये जो राइट आई थी वो उसकी रोशनी तो टोटली चली गई थी, और लेफ्ट आंख में जो रोशनी थी उसे चला रहे थे हम। जब आप काम कर रहे थे आंखों की रोशनी जाने से पहले, आप किस प्रकार का काम करते थे? हम मार्केट रिसर्च का काम करते थे मेनली कंप्यूटर में, और बहुत सारा जो डेटा एनालिसिस होता था वो सॉफ्टवेयर यूज करते थे हम लोग, एक्सेल और पावर पॉइंट यूज करते थे जी। तो जब ग्लूकोमा का प्रॉब्लम हुआ उस वक्त आपको काम करने में कोई दिक्कत हुआ था या? उस वक्त काम कर सकते थे क्योंकि लेफ्ट आई में बहुत साफ दिखाई देता था, सिर्फ हम ज्यादा मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं चलाते थे। तो आपको चलना फिरना और कंप्यूटर वगैरह में काम करने में कोई दिक्कत नहीं था? नहीं, उस वक्त कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ये जो आपका जो टोटल ब्लाइंडनेस जब हुआ आपका, तो आपको तुरंत काम कंटिन्यू कर पाए या आपको एक ब्रेक लेना पड़ा? 3 महीने हम घर पे रहे जी, जहाँ पे हमने सब डॉक्टरों पे पूछताछ की जी, और सारे मेडिसिन टाइप्स पे हम लोग ने ट्राई किया, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सब डॉक्टरों के पास गए हम जी। मगर जब हमको ये मालूम पड़ा कि इसका कोई इलाज नहीं है जी, और हम लोग ने इंटरनेट भी बहुत रिसर्च किया जी, इस छानबीन में 4 महीने चले गए जी। और 4 महीने तक हमको महीने की तनख्वाह सब मिलती थी कंपनी से जी, और उसके बाद में उन्होंने सोचा देखो अगर तुम कुछ का क्योर नहीं है जी, तो इसे बेहतर है कि हम रिजाइन करें। तो हमने रेजिग्नेशन दे दिया जी, और उसके बाद में हमने रिहैबिलिटेशन का कोर्स शुरू किया। किस प्रकार का रिहैबिलिटेशन? तो ये कोर्स 3 महीने का था जी, जहाँ पे आपको पूरा ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की टेक्निक सिखाते हैं जी। घर से काफी नजदीक था कि इंस्टीट्यूट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड बैंगलोर, तो हमारे डैडी हमको रोज सुबह छोड़ देते हैं और 5:30 बजे पिकअप करके ट्रेनिंग के बाद में वापस करके आते। एक्सेप्ट करने में आपको किस प्रकार का मदद मिला और इसमें आपको कितना वक्त लगा? 1 वीक में मैंने रियलाइज कर लिया अभी इसका कोई इलाज तो नहीं है, मगर हमें कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में, ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते जी, और घर के सबसे बड़े लड़के हैं जी, और जिम्मेदारियां तो है। तो हमें मालूम किया कि ये ट्रेनिंग भी होती है, कंप्यूटर्स भी यूज कर सकते हैं और फिर काम भी वापस लग सकते हैं, तो ये रियलाइजेशन 1 वीक में एक्सेप्ट हो गया था जी। मगर एडेप्टेबिलिटी 1 महीना 2 महीना, कभी कभी आज तक मेरे को लगता है एडेप्टेबिलिटी कम्प्लीटली नहीं हुआ है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है आपका कहना है? कंटिन्यूसली हाँ। माँ बाप और आपके भाई बहन, उनका आपके प्रति रुख क्या था? वो तो एक तो बहुत बड़े शॉक में गए थे हाँ। कि मेरे बच्चे को ऐसा कैसे हो सकता है हाँ। ये क्या हुआ है, इसका ऑपरेशन भी किया था फिर हाँ। भी ऐसा हो गया है हाँ।
तो बहुत बड़े शॉक में गए थे और उनको ये बिलीफ या उम्मीद थी कि कोई ना कोई तरीके से आंखों की रोशनी वापस आ सके, और आज उनको रियलाइज हुआ है कि जैसा है वैसा ही इसको एक्सेप्ट करके आगे की सोचना है। जब आप देख सकते थे तो आपके हॉबीज और रुचि क्या था और इस वक्त आपके हॉबीज और रुचि क्या है, उसमें कोई फर्क है या वही? फर्क तो है बहुत सारे, नहीं मगर फर्क तो हुए हैं। जैसा कि पहले मेरे को आउटडोर का बहुत बहुत शौक था, मोटरसाइकिल राइडिंग का बहुत शौक था, वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था जी, और मूवीज देखने का बहुत शौक था जी। तो अभी भी मैं मूवीज देखता हूँ, ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं देखता हूँ, मगर जो बड़ा बदलाव आया हॉबीज में जी वो है रीडिंग का जी। पहले मेरे को रीडिंग में कोई रुचि नहीं थी जी, मगर आज मेरा टाइम पास होता है रीडिंग की वजह से। ओके। बहुत सारी ई बुक्स पढ़ता हूँ और अपने आप को ऑक्यूपाइड रखता हूँ जब फुर्सत में हूँ। और जहाँ तक दोस्त हैं, बिफोर ब्लाइंडनेस जिंदगी जी रहे थे तो उस वक्त के दोस्त आज भी दोस्त हैं या आज नए दोस्त हैं? जी आज पुराने दोस्त भी हैं, कोई दोस्त बिछड़ गए डर की वजह से जी, और कोई जो जो दोस्त है वो अभी तक है, और बहुत बहुत सारे नए दोस्त भी बने हैं। रोज दिन में 3 दोस्त बनते हैं मेरे। 3 दोस्त? या रोज 3 दोस्त या 4 दोस्त बनते हैं मेरे जी। तो आपका दोस्तों के साथ एक्टिविटीज क्या होता है नॉर्मली? हम अलग अलग रेस्टोरेंट्स को जाते हैं जी, नए नए तरीके के खाने ट्राई करते हैं जी, और कभी कभी मॉल में जाते हैं जी, कभी कभी शॉपिंग करते हैं साथ में जी, और बहुत सारी चीज जो करते हैं जो ग्रुप एक्टिविटी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक 4-5 दोस्त साथ में चलते हैं, जो एक दोस्त कार लेके आ जाता है जी, तो ऐसा कुछ पहले बहुत सारा रैंडमनेस था जी, मगर आज बहुत ऑर्गेनाइज होके यानी अपने चीजों का भी अपने लाइफस्टाइल का पूरा सब हम लोग ने चेंज किया और बहुत ऑर्गेनाइज में पहुंचा है। मुस्तफा बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात किया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ज्ञान और शिक्षा आपको आगे बढ़ने का मौका देती है, आपको एक पहचान दिलाती है, तो भला दृष्टिहीनता आपको कैसे रोक सकती है? इसी से जुड़ी एक हेल्प डेस्क क्वेरी आज आपके सामने रखते हैं, सुनिए। नमस्कार, आईवे हेल्प डेस्क से मैं बिनी कुमारी। आज जो हमने मुद्दा उठाया है वो है शिक्षा को दोबारा स्टार्ट करना। तो पहले बात करते हैं प्रेमा कुमारी की। 2000 में इनको टाइफाइड हुआ और इनकी रोशनी चली गई। 2010 में हमारा रेडियो शो सुनकर इन्होंने हमको कॉल किया और कहा कि पढ़ना चाहती हैं। तो हमने उनको बताया कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले उनको अपने आप को रिहैबिलिटेट करना होगा, यानी जो चीजें जो कुछ भी वो देख कर कर पा रही थी अब वो उन्हें बिना देखे करना सीखना होगा। इसके लिए 2 जरूरी चीजें, पढ़ने के लिए ब्रेल सीखना, ब्रेल एक लिपि है, ब्रेल लिपि सीखना, और अकेले आ जा पाना यानी अपनी मोबिलिटी पर काम करना। उसके बाद हमने उन्हें बताया कि आपकी उम्र थोड़ी अधिक हो चुकी है तो आप पढ़ सकती हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान के तहत आप पढ़ सकती हैं। मैं प्रेमा कुमारी रुड़की से, मुझे ब्लाइंड हुए 12 साल हो गए हैं। मैं आज पढ़ रही हूँ, मैंने 10th कर लिया है और मैं अब 12th कर रही हूँ। तो मेरी एज 12 साल थी और अब मेरी एज 23 हो गई है। मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी कम से कम 8-9 साल, और उसके बाद जब मैंने आईवे में ये सुना और फिर उन्होंने मेरे को बताया कि जो ब्लाइंड होते हैं वो पढ़ सकते हैं, और मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझको पैरालाइज भी होता था, इस वजह से मैंने कभी पढ़ने के लिए नहीं सोचा। लेकिन उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया और कहा कि जहाँ पे ट्रेनिंग होती है वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी वगैरह होती है और तुम जाओ। और मैंने जब वहाँ गई तो
मेरा अच्छा टाइम रहा और मैंने वहाँ पढ़ाई की, तो आज उनकी वजह से मैं आज 10th भी कर लिया और मैं 12th भी कर रही हूँ। फैमिली वालों को पता चला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ तो वो मना ही कर रहे थे, और जब उन्होंने आईवे वालों से बात की, मैंने बात कराई तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया, फिर तब उन्होंने मेरे को वहाँ जाने के लिए राजी हुए। दूसरे हैं मोहम्मद रेहान लखनऊ से। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, 2007-08 में रेटिना डिटैचमेंट के कारण अपनी रोशनी खो चुका था। 12वीं के एग्जाम देने के बाद उसको लगा अभी और कुछ वो कर नहीं सकता है। 2011 में उसने हमारा रेडियो शो सुना और हमको कॉल किया ये जानने के लिए, क्योंकि वो देख नहीं सकता क्या कुछ नौकरियां हैं, क्योंकि उसने 12वीं पढ़ाई की थी। तो हमने कुछ उसको कहा कि देखो 12वीं के आधार पर तो नौकरियां बहुत कम है, इसलिए उसको अपना शिक्षा रिज्यूम करना चाहिए, दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए एक तो उसे हमने उसे ग्रेजुएशन स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट किया, दूसरा हमने उसको बताया कि ये तुम्हारी शिक्षा जो है थोड़ी सरल हो जाएगी अगर आप कंप्यूटर सीख लेंगे तो। मैं मोहम्मद रेहान उस्मानी, घर में ही रहता था, घर से बाहर नहीं निकलता था, रेडियो सुन रहा था, अचानक आईवे का प्रोग्राम आ रहा था, तो मैंने खैर नंबर सेव कर लिया था, तो वहाँ से मुझे उन्होंने मेरी सारी बात सुनी। उन्होंने कहा आपके वहाँ लखनऊ में यहाँ यहाँ पे हजरतगंज में RSCI एक NGO है, यहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता है लो विजन या ब्लाइंड पर्सन को। खैर मैं वहाँ दूसरे ही तीसरे दिन मैं पहुँचा अपने दोस्त के साथ, बहुत हिम्मत करके मैं जाने लगा आने लगा, होप किया। उसके बाद मार्च में मैंने एडमिशन लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी में। इस तरह से धीरे धीरे रास्ते फिर खुलते गए और इस वक्त मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। आईवे हेल्प डेस्क से आप संपर्क कर सकते हैं 011-460-7038 पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच। इस सीजन के पहले एपिसोड में हमने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल यह था कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति जिसको देखकर वो दृष्टिहीन ना लगे, क्या उसे सफेद छड़ी लेकर चलना चाहिए? हमारे पास कई जवाब आए और इसका ब्यौरा दे रही हैं निकिता। शुक्रिया अनिल जी, हमारे पास कई सारे जवाब आए, जिनमें से ज्यादातर यानी 70% लोगों ने ये कहा कि सफेद छड़ी का इस्तेमाल करना एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। हम मानते हैं कि अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत देख सकता है, पर कोई दुर्घटना ना हो उसकी सावधानी बरतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए इस सफेद छड़ी का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। ये हमें आत्मविश्वास देती है, ये हमें स्वतंत्र बनाती है और हमारी आवाजाही को रुकने नहीं देती। एपिसोड 3 का सवाल है, आजकल के समय में कंप्यूटर और स्क्रीन रीडर की उपयोगिता देखते हुए, क्या आपको लगता है ब्रेल एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की कंप्यूटर और स्क्रीन रीडर्स के बिना हुआ करती थी? अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं SMS या ईमेल के जरिए। आपका नाम, पता, एपिसोड नंबर जो कि नंबर 3 है लिखना ना भूलें। हमारा नंबर है 9968329329। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org यानी radio@eyewaywa.org। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, समझदारी इसी में है कि हम ही वक्त के साथ चलना सीख लें, क्यों, ठीक है ना? फिलहाल वक्त आ गया है मेरे यहाँ से जाने का, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। मेरा नाम है अनिल, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी का कारवां।